हेलो गाइस, कोरोना की वजह से इंडिया के साथ साथ 35 और देशों में लॉकडाउन हो चुका है। इस लॉकडाउन में हमको घर पे रहने की सलाह दी जा रही है दोस्तों, और घर पे रह के हम क्या करें, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ घर पे रह के आप ऐसे कुछ काम कर सकते हैं जिसकी मदद से आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसी वेबसाइट के बारे में आपको बताऊँगा जिसकी मदद से आप घर बैठे थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों अपेन। अपेन एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जो छोटे मोटे वर्ड, माइक्रो वर्ड या रेटिंग या ट्रांसलेशन के वर्ड देख के आपको बहुत ही अच्छा उसका रिवॉर्ड देती है। तो कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबल जॉब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ये पेज ओपन होगा आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे जॉब क्या क्या है। रेटर की जॉब है, मतलब कोई भी वीडियोस या पेज या कोई भी ब्लॉग देख के आपको उसके बारे में रेट करना है। और दूसरी जॉब है दोस्तों लैंग्वेज जॉब, इसमें आपको दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों टाइप की जॉब मिल जाती है कंबाइन, मतलब किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा या ट्रांसलेशन करना होगा दोस्तों। माइक्रोटास्क में दोस्तों कुछ आपको सर्वे देखने के लिए मिल सकते हैं, आपको कुछ सर्वे फिल करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्म टाइप मिल सकता है, या आपको कुछ ऐसे कीवर्ड दे सकते हैं जिसको आपको गूगल पे सर्च करके बताना है किसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम शुरू कर देते हैं। इसमें आप अप्लाई नाउ के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल एक बता सकता हूँ इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं दोस्तों। तो रेटर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, न्यू टैब आपका ओपन हो जाएगा। न्यू टैब ओपन होते ही दोस्तों सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। इंडिया सेलेक्ट करते ही पेज ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। और आप कोई भी और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती या मराठी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है और सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट करते ही दोस्तों आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों, मतलब आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। देन आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस दोस्तों खासकर एकदम सही लिखिएगा, क्योंकि अपेन और आपके बीच में जो कॉन्टैक्ट का कन्वर्सेशन का जो मीडियम होगा वो होगा दोस्तों आपका ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है दोस्तों, उसके बाद अपना एड्रेस आपको टाइप करना है, देन अपना मोबाइल नंबर और अपना CV भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है रेजिडेंस हिस्ट्री, मतलब आप इस देश में, मतलब जैसे हमने इंडिया सेलेक्ट किया था, इंडिया में कितने सालों से रह रहे हैं। तो डेफिनेटली बात है दोस्तों 5 ईयर अप हो जाएगा इसमें, और अगर आप रिसेंटली इंडिया में शिफ्ट हुए हैं तो अपने अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। देन इसमें आपकी हायर एजुकेशन पूछा जाता है, एंड इसमें आपकी जो भी हायर एजुकेशन है वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके नीचे आपको क्या सिलेक्ट करना है दोस्तों, जैसे आपने मास्टर डिग्री ऊपर सिलेक्ट किया है इसके अकॉर्डिंग ही आपको नीचे सिलेक्ट करना है, मतलब आपकी मास्टर डिग्री चल रही है, स्टडी है या वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इन दो ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है दोस्तों। और इधर आप ये पढ़ के देख सकते हैं, जैसे आई हैव एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन बिटवीन 2 languages, तो आपको एक्सपीरियंस है तो हाँ, नहीं है तो ना, ऐसे ही ये 4 लाइन है, आप देख के यस नो टिक कर सकते हैं दोस्तों। और रिफर की बात करें दोस्तों, रिफर में आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो इसमें सबसे नीचे आपको एक अदर मिलेगा, अदर में अगर आप चाहें तो मेरा YouTube चैनल का नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पे YouTube टाइप कर सकते हैं दोस्तों। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्लिक करना है, टिक करना है, और एक सबसे ऊपर इधर आपको एक टिक करना है दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको ये सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद दोस्तों एक और पेज खुलेगा जिसमें आपका ID प्रूफ मांगेगा। ID प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID दे सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप कुछ भी माइक्रो वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इंडिया लॉकडाउन है तो दोस्तों क्या हुआ, आप घर पे बैठ के भी कुछ ना कुछ काम करके थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे।